हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथ फाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिया की तरफ से जो राजा मिर्चा है, या जिसे गोस्ट पेपर के नाम से भी जाना जाता है, इसको एक्सपोर्ट किया गया है लंदन में। तो यूरोप में इंडिया की तरफ से ये फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट की जा रही है और नॉर्थ ईस्ट का ये प्रोडक्ट है, तो बहुत अच्छी बात है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, ओवरऑल इंडिया के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। राजा मिर्चा या जो गोस्ट पेपर के नाम से जाना जाता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसको आपका GI सर्टिफिकेशन भी दिया हुआ है, क्या इसकी खास बात है, क्यों इसको वर्ल्ड्स का सबसे हॉटेस्ट जो है या पंजेंट पेपर या मिर्च इससे कहा जाता है, क्या ऐसी इसमें खूबियाँ हैं, इन सब चीज़ों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। रिसेंटली अभी इंडिया ने जो है नागालैंड का राजा मिर्चा है उसको लंदन में एक्सपोर्ट किया गया है। इसके और भी डिफरेंट नाम्स हैं जिसके अंदर इसे किंग चिली कहा जाता है। चिली जो मिर्चियाँ होती हैं उनका राजा एक तरह से आप समझ सकते हैं। गोस्ट पेपर के नाम से इसे जाना जाता है और जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पे इसको भूत जोलोकिया के नाम से भी जाना जाता है नागालैंड के अंदर। तो इसके डिफरेंट नाम्स हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये जो है फैमिली सोलेनेसी है, इसको बिलोंग करता है एंड जीनस इज कैप्सिकम एंड दिस इज़ बेसिकली ए काइंड ऑफ हाइब्रिड वेराइटी। हाइब्रिड मतलब दो स्पीशीज़ इनका कॉम्बिनेशन है और गोस्ट पेपर जो राजा मिर्चा है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन और हाइब्रिड ऑफ कैप्सिकम चाइनीज एंड कैप्सिकम फ्रूटेसनी, इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन करके गोस्ट पेपर को बनाया गया है और इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था 2007 में। वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिली पेपर के रूप में, दुनिया का सबसे जो हॉटेस्ट आपका पेपर है उसके रूप में इसका नाम दर्ज है। लेकिन एक पूरी कंपटीशन सा है कि कौन कौन सा कंट्री जो है सबसे हॉटेस्ट चिली पेपर डेवलप करता है, तो उसी कंपटीशन के अंदर काफ़ी सारी नई वैरायटीज़ अब डेवलप हो चुकी हैं। जैसे हम बात करें ट्रिनिदाद का जो स्कॉर्पियन पेपर है, ये इसको सुपरसीड कर चुका है, इसकी पंजेंसी या हॉटनेस बहुत ज़्यादा है। कैरोलिन रीपर इज़ ऑल्सो देयर 2013। तो ये इससे कुछ आगे हैं लेकिन फिर भी राजा मिर्चा जो है ये अपनी कुछ क्वालिटीज़ रखता है। और इसके अंदर ये जो जब हम कहते हैं कि ये काफ़ी हॉट है ना, वर्ल्ड का हॉटेस्ट चिली पेपर है, तो ये हम कैसे पता लगाते हैं, गोस्ट चिली या जो राजा मिर्चा है इसके अंदर जो स्कोविले हीट यूनिट्स हैं, स्कोविले हीट यूनिट्स दैट इज SHUs, इनकी जो नंबर है ये 1 मिलियन से ज़्यादा है। स्कोविले एक साइंटिस्ट थे तो उन्होंने एक स्केल डेवलप किया और जो कि स्पाइसीनेस या फिर जो हीट होती है, जो पंजेंसी होती है चिली पेपर्स की, उसको मीज़र करने के लिए एक स्केल डेवलप किया गया। तो ये जो स्कोविले स्केल है यहाँ पे इसकी जो रीडिंग आ रही है वो 1 मिलियन से ज़्यादा है और इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना ज़्यादा है। ये जो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है अगर यहाँ पे आप देखोगे SHU यूनिट्स के अंदर, तो इसके अंदर सबसे जो अपर लिमिट है वेरी हाईली पंजेंट, इसके अंदर क्या है 80,000 से ऊपर अगर आपकी SHU यूनिट्स है तो वो बहुत ही हाईली पंजेंट है। फाइन, और इसके अंदर जो आपको मिल रहा है राजा मिर्चा या गोस्ट चिली में जो मिल रहा है दैट इज़ मोर देन 1 मिलियन, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा हो गया। फाइन, इसीलिए इसको यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड था हॉटेस्ट चिली पेपर का ये सक्सेसफुली इसने अचीव किया। इस पंजेंसी की रीज़न ये है कि यहाँ पे इसमें कैप्सिनॉइड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, और इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से इसके अंदर ये जो पंजेंसी देखी जाती है वो हम देख रहे हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन की हम बात करें तो राजा मिर्चा जो है इसको GI सर्टिफिकेशन टैग आपका 2008 में दे दिया गया था, तो ये एक आपका GI सर्टिफाइड आपका प्रोडक्ट है। GI क्या होते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ये दिए जाते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी पर्टिकुलर किसी जगह की वजह से, उस पर्टिकुलर एरिया या जियोग्राफी की वजह से उनकी जो खूबियाँ हैं उस प्रोडक्ट के अंदर जो विशेषताएँ हैं वो रहती हैं। फाइन, जियोग्राफिकल ऑरिजन की वजह से उसमें ये कुछ उसकी रेपुटेशन है, क्वालिटीज़ रहेंगी। जैसे नागपुर का संतरा है तो वो नागपुर से जुड़ा हुआ है, नासिक के अंगूर हैं, कांगड़ा जो है उसकी टी है, तो ये सब क्या है पर्टिकुलर प्लेस से, पर्टिकुलर एरिया से उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ जुड़ी हुई हैं, तो उनको वहाँ पर उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए उनको GI टैग्स दिए जाते हैं और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी GI टैग्स दिए जाते रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट पास किया गया था 1999 में। ये एक्ट भारत सरकार ने पास किया और ये आपका एक्ट जो है इनफोर्स आया 2003 से, 2003 से ये आपका लागू है। और इसी एक्ट के अंदर में दार्जिलिंग टी जो है वो पहला आपका GI टैग बनता है इंडिया का। अभी आपके लगभग 600 से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैक्स दिया जा चुका है और सिंस इंडिया इज़ द सिग्नेटरी ऑफ WTO's ट्रिप्स एग्रीमेंट, WTO का जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है दैट इज़ ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो यहाँ पे भारत सरकार जो है अंडर कंपल्शन है कि वो इस तरह से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए।
ट्रिप्स के अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो भी होती हैं, जो भी आपकी माइंड की क्रिएशन है, जैसे किसी ने बुक लिखा, कोई म्यूजिक कंपोजिशन है, कोई नई डिस्कवरी है तो उसको पेटेंट दे दिया, बुक्स हैं या म्यूजिक कंपोजिशन है उसको कॉपीराइट दिया, तो ये सब क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। उसी तरह से ये जीआई इंडिकेशन भी आपका ट्रिप्स के एग्रीमेंट के अंडर में कवर है, और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक्ट यहाँ पे लागू किया ताकि इस तरह का प्रोटेक्शन दिया जा सके। इसका जो फर्स्ट कंसाइनमेंट है, ये जो है विलेज है, एक तेनिंग जो विलेज है नागालैंड में, एक विलेज है, दिस इज द लोकेशन, जैसा आप देख सकते हैं नागालैंड में ये एक विलेज है, और यहाँ से इसका पहला कंसाइनमेंट जो है लंदन को एक्सपोर्ट किया गया है, लंदन को एक्सपोर्ट किया गया है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये बहुत चैलेंजिंग प्रोसेस था, क्यों? क्योंकि ये जो होती हैं चिली जो होती है, इनकी पेरिशेबल नेचर होती है, मतलब फटाफट ख़राब हो जाती हैं, जैसे आपका मिल्क होता है, दूध जो होता है, अगर हमने उसे फ्रिज में नहीं रखा थोड़े टाइम बाद वो पेरिश कर मतलब ख़राब हो जाएगा, फाइन। तो इसी तरह से इनका भी जो है पेरिशेबल नेचर होता है, ज़्यादा टाइम तक आप इनको इस तरह से नहीं रख सकते विदाउट कोल्ड स्टोरेज। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर अपीडा ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, ओके, अपीडा ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, उसने यहाँ पे कोलाबरेशन किया जो नागालैंड की एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, और इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे सक्सेसफुल बनाया और फाइनली एक्सपोर्ट किया गया लंदन में। अपीडा के बारे में कुछ फैक्ट्स ध्यान रखिए, अपीडा जो है दैट इज एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओके, ये एक तरह की आपकी जो है स्टेट्यूटरी बॉडी है ना, स्टेट्यूटरी बॉडी मतलब पार्लियामेंट ने इसको एक्ट पास करके यहाँ पे बनाया है। एंड द थिंक इज दैट ये आपका क्या काम कर रही है, एक्सपोर्ट प्रमोशन करेगी, एक्सपोर्ट जो भी एग्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं इनका एक्सपोर्ट करती है, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में वर्क कर रहा है, इसको ध्यान रखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में नहीं है, यहाँ पे एग्रीकल्चर नाम लिखा है तो आप कन्फ्यूज हो जाएं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में वर्क कर रहा है। रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी रहेगी एक्सपोर्ट को प्रमोशन करना, इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस की अगर ज़रूरत है तो वो दिया जाए, ओके, पैकेजिंग मार्केटिंग रिलेटेड यहाँ पे सपोर्ट दिया जाए, स्टैंडर्ड्स को फिक्स करने में हेल्प की दिया है, ओके, अदरवाइज क्या होगा, फार्मर्स के पास में प्रोडक्ट तो हैं, जैसे ये राजा मिर्चा है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होता रहा है, लेकिन उसके स्टैंडर्ड जो रिक्वायर हैं एक्सपोर्ट के लिए वो आप डेवलप नहीं कर पा रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो भी सपोर्ट है एक्सपोर्टर्स को या फार्मर्स को वो यहाँ पे अपीडा प्रोवाइड कराएगा, और इस तरह से एक्सपोर्ट का प्रमोशन कर रहा है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ ग्रेट थिंग। ऑलरेडी हमने देखा कि अपीडा ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया था, ओके, इन एक्सपोर्टिंग द जैक फ्रूट, त्रिपुरा से जैक फ्रूट आपका एक्सपोर्ट किया गया था लंदन में, जर्मनी में, ओके, और आसाम का जो लेमन है उसको एक्सपोर्ट किया गया था, रेड राइस आसाम का है, ओके, इसे भी एक्सपोर्ट किया गया था यूएसए के अंदर अभी रिसेंटली ही है। इसी तरह से आपके जो लेतेकू या बर्मीज ग्रेप हैं उनको दुबई एक्सपोर्ट किया गया था, तो इन सारे प्रोसेस में अपीडा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और इंडिया का जो ओवरऑल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसको तो प्रमोट कर ही रही है, फार्मर्स की इनकम को भी इंक्रीज करने में हेल्प कर रही है। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, 1 अगस्त से अनअकैडमी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, एट प्रेजेंट आपका जो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है जिसमें जीएस ऑप्शनल और आपकी जो ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज है, मेंस की टेस्ट सीरीज है, सब कुछ यहाँ पे आपको इंक्लूड है, और ये जो है आपका 57,000 आपका जो है प्राइस है, इस पर आप एक्स्ट्रा ऑफ ले सकते हैं, डिस्काउंट ले सकते हैं बाई यूजिंग द कोड RBLIVE। तो ये जो प्राइस हैं आपकी रिवाइज हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं 1 अगस्त से, तो आप बेनिफिट ले सकते हैं। अभी आपका अश्योर वीक चल रहा है जिसमें आपका जो 2 साल या उससे ऊपर का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एंड इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन भी मिलेगा कुछ कंडीशंस के साथ में। इसके अलावा आपका सब्सक्रिप्शन बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड होता है, आपके 80 नंबर ऑफ टेस्ट GS के फ्री दिए जा रहे हैं जिसमें 50 प्रीलिम्स के टेस्ट हैं, 30 मेंस के टेस्ट हैं। आपको लोन फैसिलिटी का भी लिंक दिया गया है, 20 बुक्स जिसमें पूरा सिलेबस कवर है, ओके, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में मिल जाएंगी, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में भी आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं, पुट द कोड RBLIVE टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। सिमिलरली यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक एज वेल, आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटरिंग दी जा रही है, डेली डाउट सॉल्विंग दी जा रही है, या आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है, केवल ऑप्शनल के लिए जाना चाह रहे हैं सो दिस इज द ओनली ऑप्शनल फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। 28 जुलाई से आपके नए बैचेस स्टार्ट हैं जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है, तो जो बच्चे 2021, 22 या 23 की तैयारी कर रहे हैं वो इन बैचेस में एनरोल करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा हर संडे सुबह 11 बजे आपका कॉम्बैट होता है जिसमें 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस करने होते हैं, अच्छा परफॉर्म करके आप काफ़ी सारे एक्साइटिंग प्राइसेस जीत सकते हैं। इसके अलावा आप फ्री टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।